So let me share the screen with you. So beta, you can see the Mendeleev periodic table again. Mendeleev have formed the periodic table with 8 groups, and there are peers also. You can see the 6 peers are there, and each group is divided into 2 subgroup A and B. Okay, these are the 2 subgroups A and B, and he classify the element according to their atomic masses. And he have taken the chemical properties on the basis of the oxides and hydride formed by the elements. Okay, bete. And in the group 8, we can see there are the certain element which are placed in three subgroup. We can say these are the transition elements: iron, cobalt, nickel, ruthenium, rhodium, platinum, osmium, iridium, and platinum. ओके तो ये हमने उस दिन कर लिया था पीरियोडिक टेबल के बारे में. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डिसएडवांटेजेस और डिसमेरिट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आफ्टर डूइंग व्हाट इज ऑल अबाउट द मेंडेलीव दैट ही हैव अरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एटॉमिक मासेस एंड वी नो दैट देयर आर द सर्टेन इंटरवल he got the same elements, that these are known as groups. Okay, so we can say the properties of the elements are the periodic function of the atomic masses. Okay, so we have seen there are 7 peers and 8 groups. In each group there are 2 subgroups. So what are the merits of or advantages of the Mendeleev periodic table? तो सबसे पहली एडवांटेज तो हम यही कहेंगे कि मेंडलीव ने हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करके दी, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट में हेल्प किया. ठीक है, फर्स्ट यू विल से सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट. एक्चुअली द पीरियोडिक टेबल वाज वेरी गुड. अगर इसने सिस्टमैटिकली अरेंज ना किया होता तो आज मॉडर्न की तरफ भी ना बढ़ते. सिर्फ इससे यही फॉल्ट हुआ कि इसने जो बेटे पीरियोडिक टेबल बनाया वो बनाया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास. अगर उसने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली बनाया होता तो ये वाला पीरियोडिक टेबल बहुत सही होना था. ठीक है, तो इसने सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स करवाई. ठीक, प्रॉपर्टीज पता करके, ओके, सेम ग्रुप सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को एक ग्रुप में डाला. तो हम ये कह सकते हैं जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स अगर एक ही प्रॉपर्टी पता हो तो दूसरी की इजीली हम पता कर सकते थे. ठीक है, तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट, वी नो दैट ही प्लेस्ड द एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टी इन अ ग्रुप. ठीक, इफ यू विल नो द प्रॉपर्टी ऑफ वन एलिमेंट यू कैन इजीली नो द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर एलिमेंट. ठीक है, दिस इज द वेरी दिस इज गुड पीरियोडिक टेबल वी गॉट. क्योंकि अगर ये ना मिलता तो अभी मॉडर्न भी बहुत डिफिकल्ट हो जाना था. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलोगे आप, इट ही हेल्प्ड अस द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट. देयर इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स, वी कैन स्टडी अकॉर्डिंग टू ग्रुप पीयर्स एंड ऑल. ठीक है, एंड ही अरेंज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास. And we know that a element present in each group have similar properties. Okay, very important point. Very important point. जो इसने किया, that is prediction of new element. They're not coming at right time. वो बेटे इतना सियाना था कि उसने ये बोला कि यहाँ पे उसने एक स्पेस दी एलिमेंट्स को और उसने बोला कि यहाँ पे कोई एलिमेंट डिस्कवर हो सकता है. ठीक है, उसने प्रिडिक्शन करी द डिस्कवरी ऑफ अदर एलिमेंट और उनके लिए स्पेसेस छोड़ी. ठीक है, तो उसने क्या प्रिडिक्शन करी, डिस्कवरी ऑफ अदर एलिमेंट और इन एलिमेंट्स के लिए
He left some spaces or gap. Or even he suggested the name for the elements. Like he suggested the name Akka Silicon for the germanium. Eka means after this. So this is Eka Silicon for GE, that is germanium. Likewise, Eka Aluminium for gallium and Eka Boron for scandium. Okay? So you can write Eka Aluminium यस एक्का एल्युमिनियम ये एल्युमिनियम के बाद हमारा मॉडर्न पीरियड देखो ये देखो एल्युमिनियम के बाद क्या आता है बेटे गैलियम तो ये वाला गैलियम ओके अब ये होता है कार्बन देन सिलिकॉन देन यहाँ पे क्या आता है बेटे जर्मेनियम तो इसने इसके लिए स्पेस दी अभी तो ऑक्यूपाइड होगी क्योंकि उसके बाद डिस्कवर हो गए थे तो इन दोनों के लिए देखो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम जर्मेनियम के लिए स्पेस देके गया कि यहाँ पे कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा बोरोन एल्युमिनियम और गैलियम के लिए स्पेस देके गया और इनको नेम देके गया अक्का सिलिकॉन एंड अक्का एल्युमिनियम ओके आर 38 ना ओके सो लाइकवाइज देयर इज एन अक्का बोरोन इसके लिए तो चलो मानना नहीं मिला इसके बाद हमने इसमें स्कैंडियम किया बट स्कैंडियम भी अब डी ब्लॉक को बिलोंग करता है ओके ठीक है तो इसने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये दिया कि उसने एक प्रेडिक्शन करी द डिस्कवरी ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स एंड इवन ही लेफ्ट द स्पेसेस और गैप्स फॉर द एलिमेंट्स And named them, and the elements were discovered. You can say the element were discovered. Okay. He have also bete corrected the atomic mass of certain elements. Okay. उन्होंने कुछ atomic mass पहले known थे, तो उनको correct करके लिखा गया, जैसे कि gold और platinum का. Write down correction of atomic mass of some elements like gold and platinum. ठीक है तो बेटे उसने एक तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स ही हैव अरेंज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट एंड अकॉर्डिंग टू द सेम प्रॉपर्टी इन द सेम ग्रुप द एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड देन ही हैव प्रेडिक्टेड द एलिमेंट्स विच टू बी डिस्कवर्ड लेटर ऑन And less, yes, the elements were discovered later on and there is no disturbance in the periodic table and we have placed them as he have suggested us. Okay? And he also made certain correction in the atomic weight of some of the elements like gold and platinum and he have given them a fixed atomic mass as required. Got it? So these are the merits, bete. वेरी इंपॉर्टेंट मेंडलीव से कुछ पूछा जाता है तो एक तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन कि इसकी पीरियोडिक टेबल का बेस क्या है तो रिमेंबर द बेस ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज एटॉमिक वेट और मास ओके सो ही सजेस्टेड द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज एटॉमिक मास फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है अगर इससे What are the merits and demerits of Mendeleev periodic table? So these are the merits of Mendeleev periodic table that he has placed. This is he has given us the systematic study of the elements. He have done the prediction of certain elements
and he have also corrected the atomic mass of some of the elements. So this is very important to remember. Beta, ye seedha seedha question aata hai is pe. ठीक है, नो वन विल से टू ड्रॉ द पीरियोडिक टेबल एंड नथिंग एंड ऑल, जस्ट यू शुड नो द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ईच पीरियोडिक टेबल. ओके, सो दीज आर द मेरिट्स और एडवांटेजेस. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल. एक डीमेरिट जो अभी तक चलती आ रही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि हाइड्रोजन को जी प्लेस नहीं मिल पाई, हाइड्रोजन को तो अभी भी नहीं मिल पाई. ठीक है, तो डी मेरिट्स में द फर्स्ट डी मेरिट्स है कि हाइड्रोजन इज कमिंग नाउ, हाइड्रोजन डिडंट गेट फिक्स्ड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. As we know that in modern periodic table also the hydrogen didn't get the position. Why? It has the resemblance with the alkali metals and halogen. देखो ये हाइड्रोजन है, ये अल्कली मेटल्स होते हैं. और ये होते हैं हेलोजन. अब हेलोजन ये होते हैं, ये जो अल्कली मेटल्स हैं ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल है. अगर मॉडर्न अभी हम करेंगे ये फर्स्ट ग्रुप है बेटे, और ये 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल है. अब हाइड्रोजन है ना जो, वो अल्कली के जैसे इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है. जब इसको मान लो मैंने हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ कंबाइन किया तो ये HCl बनेगा. तो ये HCl क्यों बना, क्योंकि हाइड्रोजन ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिए या हाइड्रोजन ने F को इलेक्ट्रॉन दिए, अल्कली की तरह बिहेव किया. मगर इसी को ये अल्कली के साथ ही लगा लें, जैसे NaH बना दें, इसे कहेंगे सोडियम की हाइड्राइड बन गई. तब ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहे हैं, जैसे कि हेलोजन रिसीव कर रहे हैं. तो इसमें जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होने के कारण ये कभी कभी बिहेव करता है अल्कली मेटल जैसे, कभी कभी बिहेव करता है हेलोजन जैसे, कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन देता है, कभी कभी दे के ये क्या बन जाता है केटाइन, कभी कभी ये इलेक्ट्रॉन लेता है. जैसे कि अगर हम HCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें H पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, वी विल गेट एनायन. और वो एनायन कहाँ मिलेगा हमें, एनोड पे. अगर NaH की आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो आपको HCl की करवाओगे तो H एज आपको केटाइन मिलेगा. केटाइन कहाँ मिलेगा बेटे, कैथोड पे. अगर NaH की इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो H नेगेटिव की फॉर्म में मिलेगा, दैट इज एनायन. और वहाँ वो कहाँ मिलेगा, यू विल गेट एट एनोड. ठीक है, एनायन यू विल गेट एट एनोड, हियर हाइड्रोजन, हियर यू विल गेट एट कैथोड. क्योंकि यहाँ पे क्या बिहेव कर रहा है, एज एच पॉजिटिव. यहाँ पे क्या बिहेव कर रहा है, एच नेगेटिव. एच नेगेटिव बनना किसकी प्रॉपर्टी होती है, हेलोजन्स की. यहाँ पे पॉजिटिव बनना किसकी प्रॉपर्टी होती है, अल्कली की. इसलिए हाइड्रोजन को अभी तक स्पेस मिली नहीं पाई. ये अभी भी ड्रॉबैक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी. ठीक है, सेकेंड जिससे सबसे बड़ी गलती हुई बेटे, मेंडलीव ने जो हमें पीरियोडिक टेबल दिया वो एटॉमिक मास पे दिया. ठीक है, अब हमें पता है वी हैव डन इन 9th स्टैंडर्ड, यू हैव डन एटॉमिक आइसोटॉप्स. व्हाट आर आइसोटॉप्स, दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट सेम एटॉमिक नंबर. तो अगर एटॉमिक मासेस पे आप दे रहे हो तो हाइड्रोजन का जैसे प्रोटियम, ड्यूटीरियम, टिटीरियम को उसको भी आपको अरेंज करना चाहिए. हाइड्रोजन वन है, देन उसके बाद प्रोटियम वन है, देन ड्यूटीरियम टू है, देन टिटीरियम थ्री है. तो इसका मतलब जिनके एटॉमिक मास वेरी करते हैं तो वो भी तो प्लेस होना चाहिए. ठीक है, बेस्ड अपॉन द केमिकल प्रॉपर्टी देवर टू बी प्लेस इन द सेम ग्रुप और नॉट.
ओके, एंड क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, मगर उसके साथ साथ देखो बेटे टू तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो अब इसको ध्यान से समझो, फिर ये पॉइंट लिखना। अब आइसोटॉप्स क्या है? आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स जिनका बेटे एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है, और एटॉमिक जो नंबर है वो सेम है। एटॉमिक नंबर सेम होने से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटे, सेम है, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम, ये सब में इलेक्ट्रॉन वन है, तो सभी एक इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है, कोई भी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन हो रही है डे टू लाइफ में, वो सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के कारण हो रही है, जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन है। हाँ, न्यूक्लियस में रिएक्शन होती है, जब आप न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में चले जाते हो तब न्यूक्लियस में रिएक्शन होती है, वो इफेक्ट करती है किसी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को। मतलब अगर हाइड्रोजन ड्यूटीरियम की तरफ जाते हो, ड्यूटीरियम की तरफ जाते हो बेटे, मासिस चेंज होते हैं, मासिस चेंज होने के कारण उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट करेगा, इसलिए कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे। अगर इसको देखा जाए, आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, इसका मतलब आइसोटॉप को तो सेम ग्रुप में प्लेस होना चाहिए, मगर उसी टाइम आप कह रहे हो कि एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास दे शुड बी प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो हम कह सकते हैं कि आइसोटॉप्स को तो पोजीशन ही नहीं मिली, ठीक है। सो सेकेंड डी मेरिट यू कैन राइट आइसोटॉप्स डिडंट गेट पोजीशन इन द टेबल एस एटॉमिक नंबर इज सेम इन केस ऑफ आइसो टॉप्स दे शुड हैव, दे शुड हैव नी, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज सो दे शुड बी प्लेस्ड इन सिमिलर ग्रुप बट कमिंग बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। दे शुड बी इन डिफरेंट ग्रुप, ओके, और दे मस्ट बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। ओके बेटे, गॉट द पॉइंट? यस और नो? यस अदिति, अंकिता, अरमान, अर्शीन, चांद,
जी ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक तो हाइड्रोजन को प्लेस नहीं मिली बेटे, और एक आइसोटॉप्स को भी प्लेस नहीं पड़ी। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सिमिलर होंगी, एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सिमिलर, उनकी रिएक्शंस भी सिमिलर होंगी, मगर ऑन द सेम वे उनका मासेस डिफरेंट है, तो दे शुड बी प्लेस्ड इन द डिफरेंट ग्रुप और डिफरेंट वी कैन से पीयर टू, डिपेंडिंग द अकॉर्डिंग टू द देयर एटॉमिक मास, बट दे डिडेंट गेट एनी प्लेस। मैम हो सकता है कि लग बेटे एफ ब्लॉक कैसे बनेगा, जो नया पीरियोडिक टेबल है इसलिए तो साइंटिस्ट ने नया एटॉमिक नंबर्स पे बनाया है। एक अलग ब्लॉक तो इसने बनाए ही नहीं थे, इसने तो बनाए हमें ग्रुप थे। ओके अरमान, इतने ब्लॉक कहाँ से बनाए, सबके आइसोटॉप्स होते हैं, जनरली सबके आइसोटॉप्स होते हैं। एनवायरनमेंट में जो अभी तक तो डिस्कवरीज हो रही हैं, मोर ऑफ द एलिमेंट्स आर डिस्कवरिंग एंड आइसोटॉप्स आर फाइंडिंग, जब साइंटिस्ट सर्च करते हैं तो दे आर गेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटॉप्स, सो इट इज मोर कन्वीनियंट टू प्लेस देम अकॉर्डिंग टू एन एटॉमिक नंबर, एंड द मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप इज प्लेस्ड इन द आर्ट पीरियोडिक टेबल, दैट इज मॉडर्न वन। ठीक है, और आइसो जो एटॉमिक मासिस है वो उन्होंने एवरेज करके लिख दिया, क्योंकि आइसोटॉप का जो है वो नंबर तो चेंज होता ही नहीं, एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, तो सेम एटॉमिक नंबर के सारे, तो इसलिए एटॉमिक नंबर के हिसाब से मॉडर्न बना दिया, और आई एटॉमिक मास जो है वो एवरेज निकाल लिया, वो कन्वीनियंट है ज्यादा। ओके अरमान ठीक है, यही तो गलती हुई मेंडली से, बाकी तो इसने पीरियोडिक टेबल बिल्कुल अच्छा पीरियोडिक टेबल दिया था। ठीक है, उसके अलावा इसने हमने देखा कि सिमिलर थ्री थ्री का ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो यू कैन राइट आल्सो द सेम पॉइंट। ठीक है, हम देख सकते हैं कि थ्री का ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और जब ग्रुप बनाने लगा है तो कईयों का जो हायर एटॉमिक मास है वो पहले प्लेस्ड है, और जो लोअर एटॉमिक मास है वे बेटे बाद में प्लेस्ड है। ठीक है, तो थर्ड डीमेरिट यू कैन से कि इन द मेंडली पीरियोडिक टेबल इन सर्टेन प्लेसेस एलिमेंट हैविंग हायर एटॉमिक मास वर प्लेस्ड बिफोर द एलिमेंट्स ऑफ लोअर एटॉमिक मास। ठीक है, सो यू कैन राइट इन सर्टेन प्लेसेस द एलिमेंट्स हैविंग हायर एटॉमिक मास वर प्लेस्ड अबव अबव द एलिमेंट्स हैविंग लोअर एटॉमिक मास। सो द कोबाल्ट वॉज प्लेस्ड बिफोर निकल, ज्यादा फर्क नहीं था, पॉइंट्स में फर्क था, तो कोबाल्ट को निकल से पहले प्लेस कर दिया गया था। ठीक है बेटे, सो दिस इज द फोर्थ डीमेरिट, कि हम ये देखा कि सर्टेन प्लेसेस में हायर एटॉमिक मासेज एलिमेंट को प्लेस किया गया अबव या बिफोर यू कैन से एलिमेंट्स ऑफ लोअर एटॉमिक मासेस। ओके, एंड इन सर्टेन प्लेसेस द एलिमेंट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। ठीक है,
certain places the element with different properties were placed in same group. You can write the example between manganese was placed with halogen. Okay, so you know halogens are the 17 group element in the modern periodic table, and manganese belong to the D block. Ab hum modern karenge to you will know the properties more. Theek hai, any doubt till here bete? Okay, so what are the demerits of the Mendeley periodic table? That hydrogen didn't got the space, isotopes didn't got the space, and in certain places the element having higher atomic mass were placed above the element having the lower atomic mass, like cobalt was placed before the nickel, and in certain places the elements having totally different properties were placed in same group, like manganese was placed in the halogen. For the point, so this is all about Mendeleev. What are the basis of the Mendeleev periodic table? It is the atomic mass. The periodic function of the element is the atomic mass of the element. What are the merits of the Mendeleev periodic table? He help us to study the element systematically. That is systematic study of the elements. Okay, or he have left some gaps where the new elements were discovered. And what was the third bete advantages? Can anyone tell the weak one? Yes, what are the merits of Mendeleev? Can anyone? You have corrected the atomic mass of certain elements like gold and platinum. No one is raising the hand. Now, what are the demerits of the Mendeleev periodic table? The hydrogen didn't got the space, isotopes didn't got the space, and in certain places the higher the elements having higher atomic mass were placed above the element having lower atomic mass, and in certain places the element having the similar properties were placed in the same group. Yes, bete. Everyone cleared? And tomorrow I will have the oral test of the same Mendeleev's. Okay, be prepared. And now you are being vaccinated.